हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। ये पाइसीज और जेमिनी वाले मुझसे नाराज हो रहे हैं, तो उनकी रीडिंग्स मैं अपलोड नहीं कर पाई। अपलोड कर रही हूँ मैं, एक एक करके अपलोड कर रही हूँ। चलिए आज आपकी दोनों की शिकायत दूर कर देते हैं। पाइसीज जेमिनी दोनों को मैं अभी रीडिंग दे देती हूँ 10 मिनट में। ओके, तो पहले जेमिनी। जेमिनाई अक्टूबर 2010। जेमिनाई 10, जेमिनाई क्या कर रहे हो? क्या टाइम ट्रैवल कर रहे हो कि पास्ट ट्रैवल कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 2010 कहाँ से आ गया? जेमिनाई मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर 2019 की तरह एडवाइस दीजिए प्लीज। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर महीने की 2019 की फिर एडवाइस दीजिए प्लीज। और ये आप सन मून राइजिंग या वीनस, मतलब कहीं भी आपके सन सन पर, मतलब सन के हिसाब से देखिए, मून के हिसाब से देखिए, आप बर्थ नेम के हिसाब से देखिए, आपके अल्फाबेट के हिसाब से देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखिए, जैसे भी देखिए। अगर आप अपने आप को मिथुन राशि का मानते हो, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरी तो राशि मिथुन है, तो फिर आप ना इस टैरो एडवाइस को देख लो। रेजोनेट करती है तो देख लो, नहीं रेजोनेट करती तो क्लिक ऑफ कर दो, सिंपल। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर 2019 वर्ल्ड कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। मिथुन राशि वाले लोग, बहुत सारे मैसेज हैं वर्ल्ड कार्ड, बहुत सारे मैसेज हैं। आप कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हो, आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हो, आपको कहीं ट्रैवल के लिए जाना पड़ सकता है, आप बिजनेस पर्पस से, स्टडी पर्पस से, या ऐसे ट्रैवल घूमने के लिए, या तो आप ट्रैवल करने की सोच रहे हो, या फिर आपने लाइफ में कोई चीज कंप्लीट कर ली, समथिंग यू हैव कंप्लीटेड, और अब आप कुछ नई नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी ये कार्ड है। कुछ पहले वाला कुछ चीज कंप्लीट कर दिया, अब कुछ नया नया शुरू करने के बारे में आप विचार कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं पहले दूसरे कार्ड भी देखूं, क्योंकि इसके इतने सारे मतलब हैं कि दूसरे कार्ड का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप ना कुछ कॉन्फिडेंस के साथ में किसी जगह कहीं आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो, वर्ल्ड कॉन्कर करने जैसा, मतलब दुनिया को जीत लाऊं, ऐसी कुछ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके। देखिए कार्ड है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना, बहुत पैशनेट, बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक, बहुत सक्सेसफुल महिला होती है, या एक लेडी होती है, लेडी और जेंट्स नहीं, मेल फीमेल का इसमें कोई वो इश्यू नहीं है। मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो या तो इस वक्त, और आप ना कुछ बहुत बड़ा बिग बिग चेंज लाने के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी देखिए, कुछ बहुत बड़ा बिग चेंज आप अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच रहे हो, जिससे जिससे आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी दुनिया बदल जाए, ऐसा कुछ बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप लाने के बारे में सोच रहे हो मिथुन राशि वाले लोग। एम्प्रेस एम्परर कार्ड भी आया आपके लिए। हाई थिंकिंग, आप अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बारे में समथिंग बहुत बिग आप प्लानिंग कर रहे हो, कोई किसी बड़े तरह की प्लानिंग आप कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, या फिर अक्टूबर में करोगे आप इस तरह की कोई प्लानिंग, और ये प्लानिंग फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये प्लानिंग ना फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, और ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है। कुछ आप अपनी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज लाने के बारे में सोच रहे हो। यस, आप अपनी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज लाने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपकी पहले ऐसी स्थिति थी ना, आप बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, ओवर गिविंग टाइप के अगर आप थे, तो अब आप उससे बदल जाओगे, उससे बदल के आप थोड़ा सा जैसे अपनी बाउंड्रीज में रहना, लिमिट में लोगों को देना, या लोगों को अच्छी तरह से बता देना कि ये तुम्हारी लिमिट है, इसके आगे नहीं जाना, ऐसी आप एनर्जी में मूव करने की सोचो। या फिर पहले आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे ना, पहले आप लोगों से नहीं मिलते जुलते थे, या पहले आपने कुछ बाउंड्री बना रखी थी लोगों से, तो अब आप अपनी नर्चरिंग और केयरिंग साइड में
एंटर करने, मतलब आपके आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या हो रहा है या होगा। देखिए ये है, ये दिस इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और ये फिर बीच में आता है डेथ कार्ड, और इधर आता है ये बहुत ही नेगेटिव टाइप की पर्सनैलिटी, बहुत ही एम्परर इज लाइक वेरी ईगो, ईगो प्राइड में ऑपरेट करने वाला जो इंसान होता है, जो सबको साथ लेकर, मतलब कंट्रोलिंग नेचर, कंट्रोलिंग नेचर का। अगर आप ऐसे नेचर के हो ना, तो आप सबको साथ लेकर चलने वाले एक लोकप्रिय इंसान, जिसको बोलते हैं पॉपुलर तरह के, इस तरह की पर्सनैलिटी में आप कन्वर्ट होने वाले हो। और या फिर जैसे जो मैंने बोला ना कंट्रोलिंग नेचर, अगर आपको बहुत पहले कंट्रोलिंग नेचर था, तो अब आपका नेचर थोड़ा स्लो, सॉफ्ट, गिविंग, ऐसा नेचर होने वाला है। या आप बहुत ज्यादा ओवर गिविंग करने वाले थे, तो अब आपने इस गिविंग की टेंडेंसी को आप थोड़ा रोकने वाले, समथिंग आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आएगा, या आप ऐसा विचार कर रहे हो कि मुझे बदल जाना चाहिए। क्योंकि अब तक की जो आपकी सिचुएशन रही ना, डेथ कार्ड का मतलब है कि पुरानी जो आपकी सिचुएशन रही ना, इनको आपको, ये आपको सूट नहीं कर रही है। कोई लाइफ सिचुएशन हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, रिलेशनशिप, करियर, कहीं ना कहीं पर आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चेंज की जरूरत है, मुझे लाइफ में चेंज की जरूरत है, और इसके लिए अब आप अपने आप में बदलाव लाने की सोच रहे हैं मेरे वीडियो देखकर। स्ट्रेंथ कार्ड, वही मैंने बोला ना, आप बिग चेंज लाने के बारे में और दृढ़ निश्चय कर रहे हो, आप यू आर प्लानिंग समथिंग बिग। पहले अगर आप किसी विषय में ज्यादा सीरियस नहीं थे, किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादा सीरियस नहीं, अब उस चीज पर डिसीजन लेने के बारे में भी आप सोच रहे हो। यदि किसी व्यक्ति ने पहले आपको कोई फेक ऑफर देने की कोशिश करी, यदि किसी व्यक्ति ने आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश करी है पहले, तो अब आप दोबारा से विचार कर रहे हो कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई स्ट्रांग डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे हो। इस व्यक्ति ने कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने आपको ना परेशान कर रखा हो, जो आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हो, जो आपको बहुत वेट करवा रहा हो किसी चीज में, उस व्यक्ति पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में आप, ये तो कार्ड निकल आए, कोई व्यक्ति जो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, कोई व्यक्ति जो आपको थर्ड पार्टी एनर्जी में, मतलब थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करना चाहता हो, आपको वेटिंग मोड में डालता हो, आपको फेक ऑफर्स देता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर स्ट्रांग डिसीजन लेने के बारे में, ऐसे व्यक्ति के ऊपर बाउंड्री खींच देने के बारे में आप सोच रहे हो। और आपकी जो ओवर गिविंग, ओवर ओवर ज्यादा देने की, ज्यादा प्यार देने की, ज्यादा ज्यादा दे देने की जो आपकी प्रवृत्ति थी ना, उस पर रोक लगाकर, उसको बदल कर, आप मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में, सेल्फ रेस्पेक्ट में, हायर वैल्यू, हायर वैल्यूज में, हायर सेल्फ रेस्पेक्ट की बाउंड्री में आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, और आप लोगों को लिमिट कर रहे हो। जो लोग आपको, जो लोग आपके साथ ईमानदार नहीं है ना, उनको आप लिमिट कर रहे हो, अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कार्ड बोल रहे हैं। एक ही बात आ रही है बार बार, एम्प्रेस, आप अपनी एम्प्रेस पावर में जा रहे हो, मतलब मेल हो या फीमेल, आप अपनी पावर में जा रहे हो। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में स्ट्रांगनेस आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थे, तो आप स्ट्रांग स्ट्रांग एक्शन लेकर एम्प्रेस, एम्प्रेस यानी और हायर लेवल पर जा रहे हो। आप पहले अगर ज्यादा इमोशनल थे, या आप थोड़ी एनर्जी आपके अंदर इम्बेलेंस थी, आप अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जेमिनाई को मैंने पिछले महीने में ऐसा बोला था कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ मुझे कार्ड आ रहे हैं ऐसे, और कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं ना, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पर ज्यादा बोलते हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पर आप ज्यादा वीडियो बनाते हो। मेरा काम है, दिस इज माय मिशन वर्क, आई एम हियर टू हेल्प ट्विन फ्लेम्स, आई कांट हेल्प इट। इंडिया, इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से ना जो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स है वो लोग,
मुझे नहीं पता कि मेरी तरफ किस तरह कैसे ये लोग अप्रोच कर रहे हैं मुझे, आई डोंट नो। लेकिन रीडिंग जब निकल के आती है ना, वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ट्विन फ्लेम हीलिंग देना और ट्विन फ्लेम की गाइडेंस देना, अपने आप से लोग अपने आप उड़ उड़ के, मैंने बोला पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर से ट्विन फ्लेम्स उड़ उड़ के मेरी तरफ आ रहे हैं और वो मेरे से गाइडेंस लेके जा रहे हैं। और मैं जब ये टेरो रीडिंग ले रही हूँ ना, मतलब राशि की टेरो रीडिंग ले रही हूँ ना, तो उसमें भी जेमिनी राशि वाले में जो ट्विन फ्लेम्स होंगे ना, उनकी रीडिंग निकल के आ रही है। हाउ कैन आई हेल्प इट। मैं इस रीडिंग को दूसरी तरफ मोड़ने की भी कोशिश करती हूँ ना कि चलो लेट इसको थोड़ा सब्जेक्ट को चेंज कर देते थोड़ा, लेकिन हो ही नहीं रहा ना, सामने तो दिख रहा है। जेमिनी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ये और इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल कर रहे हो, उस स्ट्रगल से बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है इसमें। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और अभी तक आप स्टक हो और आप ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश नहीं कर रहे, करो आप कोशिश। डेथ कार्ड आया, अक्टूबर महीने में फुल कोशिश करो आप इस स्ट्रगल से, इस पेन से अपने आप को बाहर निकालने की। आई ट्राई, मैं इसको दूसरी तरीके से पढ़ने की जरूर कोशिश करूंगी। जो ट्विन फ्लेम्स नहीं, आई नो उनको इरिटेशन होता होगा। लेकिन दोनों कार्ड वही आ गए। जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सफर कर रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा साइड में रख दो, अपने लाइफ के दूसरे पर्पसेस, दूसरे लोगों पर ध्यान दो, दूसरी तरफ लोगों पर ध्यान दो और अपनी लाइफ की जर्नी आप दूसरी तरीके से शुरू करो। ओके, ये ट्विन फ्लेम का मैसेज खत्म। मैं इसको अब नहीं एलोबरेट करूंगी, मैं दूसरी बात पर आती हूँ। मैंने आपको बाकी इन जेमिना इन जनरल भी मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग अपनी लाइफ की किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, ये तो पक्की बात है। और ये नई शुरुआत ना, इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, ज्यादा लोग, एक कोई टीम, कोई ग्रुप, किसी के साथ मिलकर काम करना, फैमिली में भी हो सकता है इस तरह का। आप कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग की तरफ आप सोच रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो आप ये काम कर सकते हो। एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपको इस काम पर, मतलब आप इस काम में सफल होगे। जेमिनाई मिथुन राशि के लोग, यदि आप कोई नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो जिसमें एक से अधिक लोग इन्वॉल्व है, मे बी कोई पार्टनरशिप इस तरह का कुछ, तो इसको आप पैशनेटली शुरू कर दीजिए। ये इसमें बैलेंस है, इसमें आपको सफलता है। ठीक है, और पेंटिकल्स वॉन्ड्स का, यस, इसमें आपको ना जो भी आप सोच रहे हो ना, नई बिगिनिंग करने के बाद जो भी आप सोच रहे हो ना, इसमें आपको चहुतरफा, मतलब चारों चारों तरह से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों तरह से आपको, मतलब हर तरह से आपको इसमें फायदा है। क्योंकि चार कार्ड यहाँ पर निकल के आए हैं, और चारों कार्ड में से वाटर कार्ड भी है, वॉन्ड कार्ड भी है, पेंटिकल कार्ड भी है, और यहाँ पे मेजर आर्कना कार्ड भी है। मतलब आपको हर तरीके से इसमें फायदा है। जो कुछ भी नया एडवेंचर, जो कुछ भी नई दिशा में जाने की आप सोच रहे हो ना, आप ये कर लो, इसमें आपको फायदा है। और जिन लोगों के बारे में आप विचार करें ना, फेथफुल होंगे ये लोग, आपका भरोसेमंद लोग होंगे, या फिर आप भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर नई शुरुआत कर दीजिए ऐसा। और सफलता के मुझे बहुत सारे कार्ड नजर आ रहे हैं, सफलता के मुझे बहुत सारे कार्ड नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको सक्सेस अचीव होने वाली है। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल सक्सेस का कार्ड है, द एम्परर सक्सेस का कार्ड है, द एम्प्रेस सक्सेस का कार्ड है। और देखो इसमें ना, ये पावर कपल बन के आया है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ये आपके लव कनेक्शन से भी रिलेटेड हो सकता है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना, ये आपका पावर कपल है, आपका परफेक्ट मैच है। देखो, और सक्सेस का कार्ड है, आप अपनी जिंदगी को या अपनी लाइफ को या अपने करियर को आप कुछ ना कुछ बिग चेंज, कुछ ना कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो देने की कोशिश करें ना, कर लीजिए आप ये कोशिश। इसमें आपको सफलता, देखो इसमें भी चारों एलिमेंट, कप वॉन्ड और मैंने जो बोला ना चार एलिमेंट, इसमें भी चारों एलिमेंट निकल कर आ गए। कप भी है, वॉन्ड भी है, पेनिकल भी है, ऐसे। तो
तो आप जो भी न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो या आप नई दिशा में कुछ कुछ नया तो करने की सोच रहे हो ना, ये कर लीजिए, इसमें सक्सेस है आपको। टू ऑफ कप्स का ये रिलेशनशिप में भी है। यदि किसी रिलेशनशिप को आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, यदि किसी रिलेशनशिप को आप किसी किसी दिशा में ग्रो करना चाहते हो, किसी तरीके से उसको ले जाना चाहते हो ना, आप ट्राई करो। मैजिशियन कार्ड के साथ टू ऑफ कप्स कार्ड, आप अपनी रिलेशनशिप को जिस दिशा में मोड़ देना चाहते हो, जैसा मोड़ देना चाहते हो, आप चाहो तो वैसा मोड़ उसको दे सकते हो। और वो मोड़ आप में खुद में बदलाव करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी एनर्जी में बदलाव लाएंगे ना, आप अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, तो जो जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो ना, उसमें भी पॉजिटिव बदलाव आएगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। सक्सेस कार्ड डन, ये आपका मिथुन राशि के लोगों को सक्सेस है, सक्सेस है, सक्सेस है। और फोर ऑफ मतलब चारों चारों दिशाओं से, पेनिकल का मतलब धन, तो धन में भी सक्सेस है। वॉन्ड का मतलब होता है किसी तरह की न्यू एक्टिविटी, कुछ न्यू वर्क, पैशनेट वर्क, हॉबी का वर्क, ऐसा कुछ, एडवेंचर पे जाना या ट्रैवल करना, ऐसा उसमें भी सक्सेस है। कप कार्ड का मतलब लव, लव में भी सक्सेस है आपको। और इस बार इस राशि में अक्टूबर में धनु राशि वाल मिथुन राशि वालों को ना सक्सेस है। वैसे धनु राशि का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, धनु राशि को भी बहुत सक्सेस मिल रही है। लेकिन फिर से आ गया, कुछ चीज है जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिल गई है, कुछ ऐसा डिसीजन था जो पहले बहुत समय से आप वेट कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने पहले डिसीजन लिए नहीं लिया, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल गई, क्लैरिटी मिल गई और आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आप धीरे धीरे आपके सितारे आपके अनुकूल हो रहे हैं, और आपको इस सफलता को पाने के लिए आपको जो 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 मटेरियल चाहिए ना, जैसे जैसे आपको सुविधा चीज, ये चीजें आपको अवेलेबल होंगी और हो रही हैं, हो जाएंगी। यदि आपको किसी बाहरी मदद की जरूरत है, यदि आपको एंजेलिक मदद की जरूरत है, यदि आपको किसी भी तरह की आपको मदद की इसमें जरूरत है ना, वो आपको मिलेगी। यू जस्ट स्टार्ट डूइंग योर, आप अपना वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। इक्वल गिवन टेक, आप एक अच्छी टीम बनाइए, जिस जो भी है आपका, मेरे को ये नहीं पता इसमें, ये सारा कुछ आ रहा है। इक्वल गिवन टेक, आप जो भी कुछ काम करोगे ना, इसमें आपको बराबरी का अधिकार मिलेगा। अच्छा, सब एवरीथिंग विल बी गुड। अक्टूबर महीना आपके लिए अच्छा है। और पहले आप जिस चीज पर इनडिसाइसिव हो, जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आई थिंक आपने इस विषय में बहुत दिन तक सोचा है और बहुत समझदारी के साथ आपने निर्णय लिया, बहुत समझदारी के साथ आपने विचार किया है और न्यायपूर्ण न्यायपूर्ण आपने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया, जो कि आपके लिए भी सही है, जो दूसरे लोगों के लिए भी सही है। और ये डिसीजन लेने के बाद अब आप मूव कर जाइए, या फिर आप मूव कर गए हैं, या फिर आप मूव कर जाइए, या आप ट्रेवल के बारे में सोच रहे हैं तो आप ट्रेवल कर जाइए नई दिशा की तरफ। अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत या किसी मुद्दे पर किसी से बातचीत के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट दैट कम्युनिकेशन, न्यायपूर्ण कम्युनिकेशन, सोच विचार कर कम्युनिकेशन, एक डिसीजन, फॉर्म डिसीजन लेकर कोई कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं ना तो आप कर लीजिए। इस तरह के कम्युनिकेशन में, इस तरह के ट्रैवलिंग में, या इस तरह के न्यू वेंचर में आपको सफलता मिलेगी इस महीने अक्टूबर में। ओके, यही है। और आपके किंग ऑफ पेंटेकल्स मतलब आपको, वही मैंने बोला ना, धन धन से रिलेटेड लाभ आपको मिलने वाला है। You are going towards your material success. You are going towards your financial success, and you are going towards your you are going according to your inner guidance. आप अपनी inner guidance को follow करके जा रहे हैं, और जिस दिशा में आप जा रहे हैं, जाएंगे, वहां आपको success मिलेगी। ठीक है मिथुन राशि के लोग, खुश आप लोग अक्टूबर महीने की रीडिंग से। बाय।